अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की टॉप फाइव जो हैं पीवीसी एंड यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स कंपनीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कभी अपना सीवरेज का काम, इलेक्ट्रिक की वायरिंग, पीपीआरसी वायरिंग या कोई भी ऐसा काम करवाया होगा तो आपको ये मुश्किल ज़रूर पेश आई होगी कि किस कंपनी के पाइप्स और फिटिंग इस्तेमाल की जाए। प्लम्बर्स आपको कुछ बताते हैं, शॉपकीपर्स आपको कुछ बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तान की टॉप फाइव पीवीसी एंड यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स कंपनीज के नाम बताने जा रहा हूं। अगर आप भी आगे काम करवाने जा रहे हैं अपना सीवरेज का, इलेक्ट्रिक का या पीपीआरसी का, तो आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। तो चले दोस्तों, आज मैं आपको इन पांच कंपनीज के नाम बताता हूँ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्वालिटी के लिहाज से टॉप पर जा रही हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू जलंधर बिल्डिंग मटेरियल एंड सेंट्री स्टोर यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, नंबर फाइव पर जो कंपनी आ रही है पीवीसी एंड यूपीवीसी पाइप्स और फिटिंग के हवाले से, वो है हमारे पास आदम जी। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मैं फाइव कंपनीज के नाम बताने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान की टॉप वेबसाइट्स और बैन अल-अक़वामी तौर पर जो वेबसाइट्स रैंकिंग जारी करती हैं उन हिसाब से और जो कस्टमर की फीडबैक्स होती है उसके हिसाब से हम आपको इनके बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आदम जी कंपनी की। दोस्तों, आदम जी कंपनी 1985 में स्टार्ट हुई और इसे एक बंदे जिसका नाम खुशी मोहम्मद था उसने स्टार्ट किया था, और एक ये एक छोटा सा यूनिट उन्होंने लगाया था 1985 में। उसके बाद इसको रीन्यू किया गया 1997 में और तब इसका नाम आदम जी रखा। दोस्तों, आदम जी में आपको पीवीसी, यूपीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स, गार्डन पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स, पीपीआरसी, ये तमाम वैरायटीज मिलती हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप इनको बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बात आपको ये भी मिलती है कि इनके पाइप्स की कीमत जो होती है वो थोड़ी कम होती है, आगे जो ब्रांड्स मैं बताने जा रहा हूँ उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर चार पर। जो नंबर चार पर हमारे पास है वो है चट्टान पाइप्स। चट्टान पाइप्स ने दोस्तों बहुत सी शॉर्ट स्पैम में, बहुत शॉर्ट टाइम में अपना नाम बनाया और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इनमें भी आपको पीवीसी, यूपीवीसी पाइप्स, फिटिंग, गार्डन पाइप, पीपीआरसी, ये तमाम वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, इनकी प्राइस आदम जी से थोड़ी सी हाई होती है। इनकी यूपीवीसी पाइप्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी यूपीवीसी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। ये अफजल इंडस्ट्रीज़ इनकी इंडस्ट्री का नाम है और आगे चट्टान पाइप्स और फिटिंग के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर थ्री की। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। चाहूँ तो मैं एक एक कंपनी पर 10-10 मिनट लगा सकता हूँ उनकी सारी आपको डिटेल्स देने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब नंबर तीन पर जो हमारे पास कंपनी है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, नंबर तीन पर है पोलो। अगर आपने कभी सीवरेज का काम करवाया हो या कभी इलेक्ट्रिक के पाइप्स का या पीपीआरसी का, तो आपने ये नाम पोलो ज़रूर सुना होगा। पोलो पाकिस्तान के टॉप थ्री ब्रांड्स में से जो पीवीसी, यूपीवीसी पाइप्स और फिटिंग का काम करते हैं उनमें आता है। दोस्तों, पोलो भी आईएसओ सर्टिफाइड है और जो ऊपर मैंने दोनों आपको कंपनीज बताई हैं वो भी आईएसओ सर्टिफाइड है। ये पाँचों कंपनीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पांचों की पांचों आईएसओ सर्टिफाइड हैं। दोस्तों, पोलो पाइप्स काफ़ी पुरानी कंपनी है और 1975 में इनका आगाज़ हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी क्वालिटी को शानदार तरीके से मनवाया और कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छी है। जिसने भी पोलो पाइप या फिटिंग इस्तेमाल की है तो उसने आकर बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर टू की, कि नंबर टू पर हमारे पास कौन सी कंपनी आ रही है। पॉपुलर, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपने कभी भी सीवरेज, इलेक्ट्रिक, पीपीआरसी का काम करवाया हुआ तो आपने पॉपुलर का नाम ज़रूर सुना होगा। पॉपुलर पाकिस्तान के टॉप टू ब्रांड्स में से दूसरे नंबर पर है और इनकी यूपीवीसी पाइप्स इंतहाई शानदार हैं। नाम माना जाता है पॉपुलर का यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग के हिसाब से। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपनी यूपीवीसी पाइप्स का ठेका इनको देती हैं और इनकी फिटिंग्स भी इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ
कि जो पॉपुलर है इनका रेट दूसरी कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके हिसाब से थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन क्वालिटी भी शानदार होती है। दोस्तों पॉपुलर को हाजी शेख अमर रफीक साहब ने 1975 में स्टार्ट किया था और क्वालिटी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और आज इनकी क्वालिटी पाकिस्तान की टॉप 5 कंपनीज में से दूसरे नंबर पर है और इनके थोड़े से रेट्स ज़्यादा होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो दोस्तों इस तरह नंबर 2 का भी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं नंबर 1 की कि नंबर 1 पर कौन सी कंपनी है। दोस्तों नंबर 1 पर जो कंपनी हमारे पास आ रही है वो है मास्टर पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो मास्टर पाइप्स एंड फिटिंग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इनको मैंने पहले नंबर पर क्यों रखा है, हो सकता है कुछ लोग कहें कि पॉपुलर को रखना चाहिए था। दोस्तों इनको पहले नंबर पर रखने का ये मकसद है कि इनके रेट्स जो होते हैं वो पॉपुलर से काफ़ी कम होते हैं, लेकिन क्वालिटी जो होती है आप कहीं भी यूज़ करके देखें पॉपुलर के आपको मैच होती नज़र आएगी उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से। है ये भी ISO सर्टिफाइड है और इनके PVC, UPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, गार्डन पाइप्स, PPRC हर तरह की फ़िटिंग्स बहुत ही अच्छी और शानदार होती हैं। इनको आप बिल्कुल बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पॉपुलर इसमें फ़र्क क्वालिटी का तो नहीं होता, लेकिन प्राइस का फ़र्क आ जाता है, वाज़े डिफरेंस नज़र आएगा जब आप मास्टर का PVC, UPVC पाइप या फिटिंग खरीदेंगे और पॉपुलर की खरीदेंगे, तो इसलिए मैंने इनको पहले नंबर पर रखा है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के टॉप 5 PVC एंड UPVC पाइप्स एंड फिटिंग ब्रांड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।